दिस इज़ रमज़ान एंड यू वॉचिंग आर आर टेक। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आज बताना चाहता हूँ ये ओप्पो A57 फ़ोन डिवाइस के बारे में, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक है और इसका जो कैमरा है ये भी लगभग ठीक ही है। और आज हम इसके डिटेल्स में भी बिल्कुल बात करेंगे, इसके गेमिंग प्रोसेसर और जो कि इसका जो लुक वाइज है, इसका लुक वाइज और फ्रंट कैमरा और कितने मेगा पिक्सल का और कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया गया है और इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के ओर। तो दोस्तों हमारा मॉडल ये है, मेरा भाई है मतलब खड़ा हुआ है, तो इसके हम फोटो कुछ इमेजेस क्लिक करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका डिटेल्स जूम करने के बाद कैसा पिक्सल है, बढ़िया है कि नहीं। तो इधर आए, ये हमारा कैमरा खुला हुआ है और ये मेरा भाई इधर रेडी है और मैं एक फ़ोटो क्लिक करने जा रहा हूँ। ये नॉर्मल HDR में फ़ोटो है, तो ये हमने क्लिक करा और फ़ोटो देखिए बिशप क्लिक करो। तो ये फ़ोटो का डिटेल्स है, मतलब उतना ख़ास नहीं है, पिक्सल हमारा जो है वो जूम करने के बाद ये फट रहा है। और हमारा दूसरा फ्रंट से फ़ोटो खींचते हैं, एक फ़ोटो फ्रंट से खींचेंगे। अभी मैं आपको एक फ़ोटो फ्रंट से क्लिक करके दिखाता हूँ। अच्छा तो गाइस ये आप देख रहे हैं इसका जो ब्यूटी मोड है, ये ब्यूटी हमने बिल्कुल ज़ीरो रख रखा है, ब्यूटी ज़ीरो है। अभी मैं बिना ब्यूटी का क्लिक करूँगा एक फ़ोटो, तो ये खड़ा हुआ है इधर, तो ये हमने एक फ़ोटो क्लिक करा बिना ब्यूटी का और एक हम ब्यूटी में ट्राई करेंगे अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटी में इसको फुल करता हूँ। ये ब्यूटी मैंने फुल करा, फुल होने के बाद ये फ़ोटो हम फिर क्लिक करेंगे और फ़ोटो का भी हम टेस्ट करेंगे। ये जो फ़ोटो है फुल ब्यूटी में है, आपको दिख रहा होगा कि इसके जो दाग धब्बे बिल्कुल सब गायब कर दिया। ओप्पो में ये खासियत है, ब्यूटी कैमरा थोड़ा बढ़िया होता है ब्लर करने के बाद फुल। और ये देखिए इस पर सब कुछ नज़र आ रहा है, इस पर ब्यूटी मोड ऑफ है। तो मैं इसके कुछ और फ्यूचर बताता हूँ। उसके जो वो है फ्लेक्स से भी बिल्कुल फाइबर फिनिशिंग है, बहुत ही सॉलिड बॉडी है इसका। और अगर आप ये इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो 16-17 हज़ार के बजट में फ़ोन उतना सही नहीं है, मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कैमरा है, प्रोसेसर है और इसके जो डिस्प्ले क्वालिटी है ये बिल्कुल कैसा है, LED डिस्प्ले है, नॉर्मल सुपर एमोलेड भी नहीं। इस प्राइस में अगर आप कोई और डिवाइस लेना चाहेंगे तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा Redmi Note 10T, क्योंकि उस पर जो फ्यूचर है सब कुछ औसम है और उस पर जो प्रोसेसर डाला गया अच्छा खासा गेमिंग प्रोसेसर है, 5G डिवाइस है जो कि 2023 में फुल्ली 5G लॉन्च हो कर देगा सारी कंपनियाँ, एयरटेल ने तो लॉन्च भी कर दिया है। तो इसके मैं कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल थोड़ी देर। पार्टी